मुझे करोड़ों रुपए डेली का मिलता है, वो चीज आप देखना। और जिसकी वजह से मैं कभी भी निराश नहीं होता, हमेशा खुश रहता हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना, भाई तुझे गरीबी क्या पता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे ये बोल रहे थे ना कि भाई तू राजा ब्लॉग से जलता है। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे ना कि तेरे चैनल पे जो व्यूज आते हैं ना वो राजा ब्लॉग के नाम से आते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ तक ये बोल रहे थे ना कि भाई तू क्या जाने गरीबी, मैं तो भाई करोड़पति हूं, मुझे तो कुछ गरीबी के बारे में पता नहीं है। आज का जो वीडियोस है ना, ये सही बता रहा हूं ना, अब इसको अब जो समझना है समझ लो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये वीडियो आप अंत तक देखना। मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई तू बहुत अमीर है, आईफोन 11 रख रहा हूं, ओप्पो का वॉच पहन रहा हूं, तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो गया, ठीक है, मैं करोड़पति हूं, ठीक है। हाँ, मैं हूं करोड़पति, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज है ना जो कि मुझे हमेशा करोड़पति बना के रखती है, मेरे को कभी भी फील नहीं होने दिया कि मैं गरीब हूं। और वो चीज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल ये वीडियोस होने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग, जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, वो सारे लोग जो होंगे यूट्यूबर होंगे, है कि नहीं बताना कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो देखने के पहले आप कोई भी प्लीज कमेंट मत करना। लेकिन मुझे यहाँ पे ये बुरा लगा ना कि वो जो लोग मेरे को बोले ना कि भाई तुझे गरीबी क्या पता है, तो चलो आज आपको गरीबी दिखाते हैं। और हाँ, गरीबी से लड़ने का ताकत मुझे कौन देता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं हूं करोड़पति। अगर आप लोग मुझे बोलते हो कि भाई आईफोन 11 रखने वाला करोड़पति है तो है, लेकिन मैंने ये जो भी चीज खरीदा है ना अपने मेहनत के पैसे से खरीदा है, चाहे वो प्राइवेट जॉब करके हो या फिर 8 साल से मैं जो हूं ना, 2014 से 2013 से मैं जॉब कर रहा हूं। 13 के लास्ट में मैंने जॉब पकड़ा था, प्राइवेट जॉब करता करता फिर यूट्यूब पे भी आया और फिर प्राइवेट जॉब की वजह से यूट्यूब भी छोड़ा। तो इन सब चीजों को साइड में रखते अभी मैं आपको अपना सेटअप भी दिखाने वाला हूं। ये जो मेरा आप सेटअप देख रहे हो ना, ये सारा ये सेटअप भी दिखाने वाला हूँ, रूम भी दिखाने वाला हूँ, और इसी रूम में वो चीज दिखाने वाला हूँ जो कि मुझे करोड़पति बनाती है, और उसके वजह से, उस चीज की वजह से मैं हमेशा करोड़पति रहूंगा, ये आप लोग याद रखना। चलो सबसे पहले फोन को अपनी हम साइड में रखते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है लेकिन कुछ नहीं। चलो आप में से बहुत सारे लोग अभी भी ये कमेंट करेंगे कि भाई ये वीडियोस भी तू राजा ब्लॉग के नाम पे ही बना रहा है, तो आपको करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो चीज बता रहा हूं ना, आप अगर दिल से सोचोगे ना, वो जेन्युइन चीज है, ठीक है। चलो यहाँ पे भी मैं कैमरा निकालता हूँ, सबसे पहले आपको मैं अपना सेटअप दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना सेटअप दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा करोड़ों का सेटअप, इसको हम करोड़ों का सेटअप बोलते हैं। और कैसे बोलते हैं इसका मैं एक एक प्राइस आपको गिनवाऊंगा, कैसे क्या क्या चीजें मुझे कितने प्राइस में। तो सबसे पहले मैं अपने सेटअप में सबसे पहला जो चीज आपको दिखा रहा हूं ना, वो है हमारा ये पर्दा। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ये पर्दा तो नॉर्मल होगा, फिर 1 करोड़ का सेटअप कैसे। तो हाँ, ये मेरा खून पसीने के पैसे से मैं ये पर्दा खरीदा हुआ ना, और ये पर्दा 400 का है ना, लेकिन मेरे लिए 40 लाख का पर्दा है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने अमेजोन से खरीदा था, 40 लाख का पर्दा, ठीक है। लेकिन अगर आप अमेजोन पे जाओगे ना, अगर आपने खुद के पैसे से नहीं खरीदा ना, तो वो आपको 450 रुपए का पड़ेगा, लेकिन अगर खुद के पैसे से आप खरीदोगे ना वो पर्दा, तो वो 40 लाख का पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो पर्दा है, वो 43 लाख का जो पर्दा है, वो हमें दो वीडियोस कभी कभी बनाने में मदद करते हैं। अभी और चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये हमने एक लाइट लगाया है, इसको हम अम्ब्रेला लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमको करीब पड़ा है 5 लाख का, एक पड़ा है और इधर भी एक लगा के हम रखे हैं, ये भी है 5 लाख का। तो 5 दुना 10 लाख का ये हो गया, क्योंकि अगर अपने मेहनत से खरीदोगे तो 1 रुपए का दाम 1 लाख रुपए समझना, क्योंकि वो आपके खून पसीने की कमाई से बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये एक मैंने ट्राइपोड खरीदा था जो कि कुछ इस तरीके का है, ये ट्राइपोड मेरे को 2 लाख रुपए में पड़ा था, लेकिन अगर आप ऐसे जाके परचेस करोगे, अपने पैसे से नहीं पप्पा के पैसे से परचेस करोगे, तो आपको 2000 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन खुद के पैसे से परचेस करोगे तो उसका आपको कीमत लगेगा 2 लाख रुपए, ठीक है। अब आपको ये सारी चीजें मैंने दिखा दिया, लाइट कब दिखा दिया, लाइट में मैंने यहाँ पे बल्ब डाल के रखा जो कि 50 वाट का है, जो कि मेरे को 1 लाख का पड़ा था, दोनों में, एक इधर भी बल्ब मैंने लगा के रखा है और एक इधर भी मैंने बल्ब लगा के रखा है। अभी मेन चीज बाकी है जो कि मुझे करोड़ों रुपए डेली का मिलता है, वो चीज आप देखना, और जिसकी वजह से मैं कभी भी निराश नहीं होता, हमेशा खुश रहता हूं और हमेशा मोटिवेट रहता हूं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना भाई तुझे गरीबी क्या पता है, हाँ भाई मुझे नहीं पता है गरीबी। ये पूरा तो मैंने अपना सेटअप दिखा दिया, अब मैं चलो आपको वो करोड़ रुपए के चीज के पास लेके जाता हूं, जिनके पास मैं हमेशा वीडियोस बनाता हूं, और उन्हीं का ये रूम है, और वही मुझे पैसे देते हैं, वही मुझे संतावना देते हैं, वही मुझे विश्वास देते हैं, वही मुझे दृढ़ संकल्प देते हैं, वही मुझे सारी चीजें देते हैं। तो यहाँ पे ये सेटअप के अब अंदर से हम जाते हैं, और सबसे पहले हम इसको यहाँ पे अंदर कभी भी जाते हैं तो झुक के आते हैं, ठीक है। और फाइनली देखो, मैं इन्हीं की बात कर रहा था,
ये जब तक मेरे साथ है मैं कभी भी गरीब नहीं हो सकता, ये जब तक मेरे साथ है मैं कभी भी निराश नहीं हो सकता, कभी भी मैं डीमोटिवेट नहीं हो सकता, कभी भी मेरे माइंड में निगेटिविटी नहीं आ सकता और मैं हमेशा अमीर रह सकता हूँ, क्योंकि इनका कोई मोल नहीं है, इनका कोई मूल्य नहीं है, और ये जब तक हमारे साथ रहेंगे ना भाई मैं कभी भी गरीब नहीं हो सकता और कभी भी मैं रो नहीं सकता कि हाँ मैं गरीब हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं इनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं जितना भी मैंने अपना YouTube करियर जो है ना यहीं से स्टार्ट किया था, और अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हो मेरा सेटअप, देखो पीछे मेरा जो सेटअप है इसी मंदिर में है, और आप पीछे देख लो यहाँ पे भगवान का घर है और मैं यहीं पे वीडियो शूट करता हूँ। अब बोलो जो बोलने वाले थे गरीबी किसने देखा है जरा बताओ मेरे को, ठीक है। ये बेसिकली अभी जन्माष्टमी हुआ था तो जन्माष्टमी में मेरे को पूरा सेटअप जो है ये वाला खाली करना पड़ता, क्योंकि ये भी मेरा रूम नहीं है भाई, ये मेरा रूम नहीं है, मेरे चाचा का रूम है, जो कि इन्होंने यहाँ पे मैं पूजा करता हूँ जिसकी वजह से ये मेरे को वीडियोस बनाने देते हैं, और अगर मैं पूजा छोड़ दूंगा तो मेरे को यहाँ पे वीडियोस वो बनाने नहीं देंगे, ठीक है। खैर इन सब बातों पर मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं रोऊंगा नहीं, और मुझे भाई मैं गरीब नहीं हूँ, ठीक है, मैं अमीर हूँ, क्योंकि मेरे पास एप्पल का आईफोन 11 है, ओप्पो का वॉच है, घर में 50 इंच का टीवी लगा है, जो कि अपने खुद के मेहनत से खुद मैंने करीब 8 साल से वर्क कर रहा हूँ, 8 साल 7 साल से, और खुद पैसा जमा करके किया। लेकिन कभी भी सोशल मीडिया पर अगर मैं गरीब रहूँगा ना भाई तो मैं सही बताता हूँ मैं प्राइवेट जॉब करूँगा, दिहाड़ी करूँगा, मजदूरी करूँगा, लेकिन सोशल मीडिया पर आकर रोऊंगा नहीं, आंसू नहीं बहाऊंगा, खुद की बेइज्जती नहीं कराऊंगा कि मैं गरीब हूँ। पास 2 हाथ 2 पैर है, मैं शरीर से अच्छा हूँ तो मैं गरीब कैसे हुआ, मैं कमा के खा सकता हूँ, ठीक है, गरीबी का रोना नहीं रोऊंगा। तो सबसे पहले मैं इनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप में अगर जो लोग मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं ना उनको मैं बता दूं कि मेरा पहला जो सेटअप था वो भी यहीं पे था, और मैं हमेशा से यहीं पे वीडियोस बनाते आ रहा हूँ। घर में मैंने एक बार सेटअप अपना तैयार किया था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे वो ये हुआ कि घर में जो है सेटअप अच्छे से बन नहीं पाया, क्योंकि कंजेस्टेड बहुत एरिया है, मेरे घर में सिर्फ 2 रूम है, 1 रूम छोटा सा है जो जिसमें मैं रहता हूँ, उसका भी मैं एक दिन रूम टूर लाऊंगा, होम टूर लाऊंगा, और एक में मम्मी रहती है और उसमें किचन है, उसमें पूरा सेटअप इतना सारा जो चीज़ है तैयार करना सही नहीं है। अब आपको कुछ और चीजें दिखा दूं, पता है मेरा एक ही सपना है यार, जब भी मैं एक बड़ा यूट्यूबर बनूं ना सबसे पहली चीज मैं अपना घर नहीं बनाऊंगा, सबसे पहले मैं जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूं उस जगह को मैं सही कराऊंगा, उस जगह का मैं रेनोवेशन कराऊंगा, और क्योंकि देखो यार अगर इन्होंने साथ दिया ना तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ इन्होंने। और फिर से मैं बता रहा हूँ मैं कभी भी अपनी वीडियोस में रोता नहीं हूँ, ये वीडियोस मैं सिर्फ इसीलिए आप लोग के लिए बना रहा हूँ ना कि जो लोग मेरे से कुछ लोग हेट कर रहे हैं ना, जो लोग बोल रहे हैं ना कि भाई तू राजा से जलता है, तो भाई चलो कुछ और चीजें आपको दिखाते हैं, ठीक है, फिर आप बोलना। चलो और यहाँ पे देखो ये कब टूट के गिर जाएगा कुछ नहीं पता है, इसके पीछे मैं क्या क्या डाला था वो आप देख लो, यहाँ पे ये डाला है और ये सब जो है झरने लगता है, अब देख लो कुछ निकल रही है, और गर्मी ना लगे इसके लिए मैंने यहाँ पे पंखा भी डाल रखा है, एक ऊपर भी पंखा डाल रखा है, लेकिन ऑडियो एडिट करता हूँ मैं तभी जाके आपको पंखा का जो नॉइज है वो नहीं आता। यहाँ पे उनका सारा सामान रखा हुआ है, ये भी सारे उनके हैं, सिर्फ मेरा यहाँ पे ये सारे सामान है और ये मेरा है और बाकी मेरा ये सेटअप है। और आप इधर देखोगे तो सामने जो है मंदिर का द्वार है, मैं एक बार आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, भगवान के दर्शन करा देता हूँ, जय श्री राम। तो देख सकते हो ये आप खुद देख लो, खुद सारी चीजें देखो, फिर आपको पता चलेगा गरीब कौन है। ये वीडियोस बनाने का मेरा बस एक ही मोटिव ये था ना कि मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन कभी भी अपनी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है, खास करके सोशल मीडिया पे जहां पे आपको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और गरीब किसको कहते हैं दोस्तों, गरीब उसको कहते हैं ना जिसके पास 2 पैर ना हो, 2 हाथ ना हो, अपाहिज हो, विकलांग हो, उसको हम गरीब मान सकते हैं कि वो कमा नहीं सकता है। लेकिन अगर हमारे पास हमारा पूरा शरीर जो है सही सलामत है, फिर भी अगर हम गरीब हैं, हमारे पापा काम कर रहे हैं लेकिन हम भैया वीडियोस बनाने में व्यस्त हैं, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं भी अपने बारे में बताऊं ना, मैं आप लोग पूछ रहे थे ना कि 2 साल मैं यूट्यूब पे क्यों नहीं था, रीजन बताऊं ना, रीजन ये था कि मेरे पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी और YouTube से मैं उतना कमा नहीं रहा था, जिसके वजह से मैंने YouTube को मतलब कि परमानेंटली जो है मतलब कि स्टॉप कर दिया कि चलो यार अब YouTube पे मेरे को काम नहीं करना है, और मैं जाके प्राइवेट जॉब किया। अगर उस टाइम मैं भी रोना रोता ना गरीबी का, तो मेरे भी व्यूज आ सकते थे, मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ सकते थे, लोग मेरी हेल्प कर सकते थे, उस टाइम मेरे भी फॉलोवर्स अच्छे खासे थे, उस टाइम मेरे भी व्यूज अच्छे खासे आ रहे थे। अगर मैं करता ना तो लोग मेरे पास 50,000 रुपए तक चंदा दे देते भाई, 50,000 रुपए तक चंदा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया दोस्त, मेरा आत्मस्वाभिमान जो है बहुत बड़ा है। और भाई इनके जगह पे मैं वीडियोस बना के अगर मैं रो रहा हूं ना, रोऊंगा ना कि भाई मैं गरीब हूं, तो भाई मेरे लिए लानत की बात है, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ इसीलिए मैं मोटिवेशनल के लिए आप लोग के लिए बना रहा था, जो लोग मुझे गलत समझ रहे हैं ना कि मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्त, मैं बस
जो फैक्ट है फैक्ट पे बात किया हूँ, ठीक है। और आप लोग देख लिए ना, एक बार कभी भी अगर होगा ना तो आपको अपना रूम टूर दे दूंगा या फिर आपको अपना होम टूर दे दूंगा। बेसिकली मेरा जो होम टूर का वीडियो है मेरे आशीष ब्लॉग वाले चैनल पे ऑलरेडी मैंने डाल रखा है कि मेरा घर कैसा है, घर में कितने रूम है। तो अगर अभी विश्वास नहीं है तो जाइए जाकर देखिए, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि मैं करोड़पति हूँ। ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही चीजें बोलना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी गरीबी का प्रदर्शन ना करें, ठीक है। आप गरीब हो, हम समझते हैं कि आप गरीब हो, लेकिन आप मेहनत ऐसा करो कि वो गरीबी खुद ब खुद दूर हो जाए, ना कि आप रो वो धो। रोने धोने से कुछ नहीं होता। अगर आप रोओगे ना, भगवान भी आपकी मदद नहीं करेगा। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं ना जो डट के सामना करते हैं, डट के मुसीबतों का सामना करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा अपने मन में पॉजिटिविटी रखते हैं और कभी भी निगेटिविटी नहीं। अगर आपकी भी वीडियोस कोई देखने आ रहा है ना, तो वो लोग माइंड से कुछ लोग स्ट्रेस होते हैं तो आज सोचते हैं कि आके आपकी वीडियोस हम देखेंगे, थोड़ा सा पीसफुल, थोड़ा सा माइंड अच्छा होगा। लेकिन उस वीडियोस में अगर आप रोने लगोगे ना, तो यार व्यूअर्स को भी थोड़ा सा बुरा लगता है। और कभी भी अपने अपने अंदर कभी भी डिमोटिवेट, मतलब मैं अगर ऐसे सेटअप में करोड़ों के सेटअप में वीडियोस बना सकता हूं, तो बेसिकली आप लोग का सेटअप तो यार अच्छा होगा, आप लोग का घर पलस्तर का होगा, आप लोग भी इस तरह से वीडियोस बना सकते हो दोस्तों और यूट्यूब पे ग्रो कर सकते हो। ये वीडियोस बनाने का बस यही एक मोटिव था कि आप लोगों को सारी सच्चाई बता सके। बहुत सारे लोग मुझे हेट भी कर रहे हैं, तो भाई हेट कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अगर सही हूं तो मुझे कोई चीजों का फर्क नहीं पड़ता। तो तब तक के लिए जय हिंद।